अस्सलाम वालेकुम, आप सबका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मकसद अपने साथ होने वाली माली और जिंसी ज्यादती को मंजरे आम पे लाना है। मेरे साथ ज्यादती करने वाला शख्स कोई आम शख्स नहीं बल्कि बाबर आजम है, जो इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान है। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको बताती चलूँ कि बाबर आजम से मेरा ताल्लुक आज कल से नहीं है। मेरे ताल्लुकात उससे उस वक्त से हैं जब वो क्रिकेट की दुनिया में उसका कोई ताल्लुक नहीं था और वो एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। आप तो हम सब तमाम सहाफ़ी भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए और मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप हर हाल में मुझे इंसाफ दिलाएंगे ताकि आइंदा कौम की किसी बेटी के साथ इस तरह की ज्यादती ना हो जो मेरे साथ हुई है। मेरी रुदात कुछ इस तरह है कि बाबर आजम और मैं, हम एक ही मोहल्ले में बड़े हुए हैं, इकट्ठे रहते थे और वो मेरा स्कूल फेलो था। स्कूल की वजह से और एक जगह पर रहने की वजह से हम लोगों की बहुत अच्छी दोस्ती थी। सन 2010 में ही प्रपोज टू मी और मैंने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और वो प्रपोजल उसने मुझे मेरे घर आके ही दिया था। मैंने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया मेरी उसके साथ अंडरस्टैंडिंग और उसकी मेरे साथ बहुत अच्छी रही। हम लोगों को शादी करने का हमारा प्लान था, हम लोगों ने शादी करने का मतलब प्लान कर चुके हुए थे। बाबर ने और मैंने, हम दोनों ने अपनी फैमिलीज को बताया। बाबर और मेरी फैमिलीज, हम दोनों की फैमिलीज ने हमें साफ इनकार कर दिया। फिर बाबर ने और मैंने कोर्ट मैरिज का फैसला कर लिया। 2011 में बाबर मुझे मेरे घर से भगाकर, मतलब बाबर मुझे खुद अपने घर से भगाकर कोर्ट मैरिज के कहकर मुख्तलिफ जगहों पर किराए के मकान पर रखता रहा। जब मैं उन मकानों में रहती थी, पहले मैं आपको बता दूं, एक मकान जहाँ पे मैं रहाइश पजीर थी वो गुलबर्ग में माडकलोनी में था, गली नंबर 2 में, और दूसरा जो मकान मैं किराए पे रहती रही हूँ वो पंजाब सोसाइटी एच ब्लॉक डिफेंस में था, वहाँ पे हम रहते रहे हैं। मैंने बाबर को कई मरतबा उस दौरान इसरार किया कि हम शादी कर लेते हैं, लेकिन बाबर ने मुझे यही कहा हमेशा कि अभी हमारे हालात ठीक नहीं है, थोड़ा